मृत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम।, राम, राम, राम। सच्चिदानंद भगवान की संसार और व्यवहार या तो प्रकृति के अनुसार चलता है या संस्कार के अनुसार चलता है पशु का व्यवहार प्रकृति के अनुसार चलता है मनुष्य का व्यवहार संस्कृति संस्कार के अनुसार चलता है चाहे बुरे ही संस्कार क्यों ना हो वह भी संस्कार के अनुसार चलते ये जो धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या करते हैं ये भी संस्कार ही किसी गुरु परंपरा ने उस ढंग के संस्कार दिए हैं कभी कभी हमने देखा छोटे छोटे कुत्तों को लड़ना सिखाते हैं जो न लड़ना जानता उसको कान पकड़ के उठाते हैं जिससे वो चिल्लाए गुस्सा हो या एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के साथ मुंह से मुंह भिड़ाते हैं जिससे वो गुस्सा होकर काटे कुत्ते भी काटने वाले बनाए जाते हैं तो मनुष्य को काटने वाला बनाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है तो जैसा बनाया जाए मनुष्य बनता है हो सकता है जानवर बनाने से ना बने जबकि वो भी थोड़ा बहुत बनता है बैल बनता है घोड़ा बनता है ऊंट बनता है इनको बनाया जाता है घोड़े नाचते हैं जानवर भी बनाने से थोड़ा बहुत तो बनता ही है मनुष्य तो बिल्कुल बनाया ही जाएगा बिना बनाए ठीक बना ही नहीं सकता मनुष्य को बनाना पड़ता है इसीलिए संस्कार और ये तो हो गया व्यवहार परमार्थ भी संस्कार के अनुसार बनता है इसलिए अलग अलग गुरु के शिष्यों के संस्कार अलग अलग उपासना अलग अलग ध्यान अलग अलग समाधि अलग अलग रसमयता अलग अलग है सब मनुष्यों का आध्यात्मिक जीवन भी एक समान नहीं है कोई भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ के साधना करता है कोई प्रतिमा तोड़ता है प्रतिमा विरोधी है कई भगवान अवतारों के नाम जपते हैं। कई तर्क करते हैं कि राम ने जब मंत्र लिया था तो वशिष्ठ ने राम को कौन मंत्र दिया था तुम तो राम राम देते हो राम को कौन सा नाम दिया था भगवान शिव कौन सा नाम जपते थे तुम तो ओम नमः शिवाय जपते हो शिव जी क्या जपते थे ओम नमः शिवाय ऐसे तर्क करके प्रश्न उठाते हैं तो संस्कार आध्यात्मिक भी भिन्न है इतने मजहब होने का कारण गुरु हैं और संस्कार मनुष्यों को मनुष्य से बांटने वाले संस्कार हैं विश्वास है अंत में संस्कारों से पार जाने का संस्कार मान्यताओं के पार जाने की पद्धति वह भी कोई गुरु ही देता है सब मान्यताओं का खंडन भी तो कोई करेगा और कभी कभी मान्यताओं के खंडन करने से भी एक नए संप्रदाय का जन्म होता है बहुत सारे संप्रदाय खंडन से ही उपजे पूर्व प्रचलित संप्रदायों का नए ने खंडन किया तो नए के कुछ अनुयायी बने पुराने सब मिटे तो नहीं उनमें से दो एक टूट आए जैसे नई पार्टी बनती है तो पुरानी समाप्त पुरानी तो है ही एक नई और बन गई सुधार के नाम से जितनी पार्टियां बढ़ती हैं खराब पार्टियों से अलग होकर सुधार के लिए बनती है फिर उनके सुधार के लिए एक नई पार्टी बनती है फिर उनके सुधार के लिए जैसे बेईमानों को पकड़ने के लिए कोई नियुक्त हो फिर नियुक्त कर जो नियुक्त तो हुआ है पकड़ उसके पकड़ने के लिए भी कोई नियुक्त तो हो ये हाल है ये चिंतन के क्षेत्र में आप जब जाओगे तो पता चलेगा ये समस्या क्या है मैं अक्सर कहता हूं प्राकृतिक भेद अर्थात प्रकृति ने स्वयं भेद निर्मित किया है पहली बार मुधा भेद यद्यपि कृत माया भेद यद्यपि माया के किए हैं और झूठे हैं व्यवहारिक हैं काम चलाऊ हैं, काम के लिए हैं जैसे सुई और कैंची का भेद बनाया है लोहा है गहनों का भेद निर्मित किया है बनाए गए हैं वो बने बनाए नहीं थे बनाए गए है। तो हैं तो प्रकृति ने भेद बनाए हैं सृष्टि के लिए स्त्री पुरुष का भेद ये कांग्रेस का भाजपा का बसपा का बनाया नहीं है स्त्री और पुरुष का भेद और प्रजनन प्रक्रियाओं का भेद और यहां तक गर्भ मां के पेट में रहेगा बाप के नहीं यह पक्षपात भी प्राकृतिक है ये किसी सपा बसपा भाजपा का नहीं है ये पुरुषों को मूछे आती हैं, स्त्रियों को नहीं आती ये बेईमानी शुरू से ही गड़बड़ की गई अंगों की रचना का भेद पेट का भेद सुख लेने की प्रक्रिया और रचना यहां से स्वाद आएगा खट्टे मीठे का स्वाद रसना से आएगा हाथ में खट्टा मसलो मीठा गुलाब जामुन मसलो मिठास नहीं आएगी आत्मा वही है इंद्रियों में भेद है एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम नहीं करती ईमान धर्म इनमें बहुत है स्वधर्म पालन हाथ कभी सूंघता नहीं हाथ कभी चखता नहीं।, नहीं तो ऐसे मसल के स्वाद ले लिया करें मुंह में डालना ही ना पड़े सूंघने का नाक से ये इंद्रियों का भेद प्राकृतिक है स्वाद कहाँ से आएगा सुगंध कहाँ से आएगी ध्वनि कहाँ से सुनेंगे सूंघेंगे कहाँ से जननेन्द्रियों में आनंद ये मानव निर्मित नहीं है और गुरु इसे मिटा नहीं सकते कुछ प्राकृतिक भेद हैं पशु और मनुष्य का भेद मनुष्यों के पक्षपात से नहीं जन्मा अधिकार जरूर मनुष्य ने कुछ कर लिए ऊंट के ऊपर सवारी करने लगा हाथी के ऊपर करने लगा घोड़ों के ऊपर करने लगा और उसी हिसाब के हथियार बना लिए साधन बना लिए नकेल बनानी लगाम बना ली मनुष्य ने बहुत कुछ किया क्योंकि मनुष्य को भी परमात्मा ने ये दिमाग दे के भेज दिया और ये भी अब भगवान की गलती है या योजना है या सच्चाई है या उपयोगी है मैं नहीं जानता यदि मनुष्य को भी दिमाग ना देता तो यह भी एक कुत्ता बिल्ली की तरह यह भी एक अपनी दुनिया का होता सब पर नियंत्रण न करता शेर सबका स्वामी नहीं बना लड़ जाएगा खा लेगा ताकतवर है पर वो कोई आधिपत्य नहीं जमाता भगवान ने मनुष्य को यह दिमाग देकर समझो बहुत बहुत खतरनाक आदमी बना दिया है देखो बुरा नहीं मानो इसमें तुम्हारी अकेली गलती नहीं योजना तो उसी की है यदि वो दिमाग ना भेजता इतनी दुनिया को दिमाग नहीं है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीते हैं ये भी एक कीड़ा मकोड़ा होता ये गड़बड़ करने की स्वतंत्रता जैसे प्रजातंत्र में कुछ स्वतंत्रता है अब उस स्वतंत्रता का कल मैंने जिक्र किया था कि व्यापारी लोग अपने व्यापार के नाम से जाने क्या क्या करते रहते व्यापार को आजादी है अपने व्यापार को प्रचार करने के लिए कुछ भी छापे ये जो मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है यही हानिकर है और यही स्वतंत्रता है जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाती है ईश्वर ने अपने पास पहुंचने के लिए सोचने की स्वतंत्रता दी है जिससे खोज सको जानवर खाना पीना खोजेगा ईश्वर को नहीं चीटी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब अपना खाना ढूंढ लेते हैं मेल फीमेल ढूंढ लेते हैं प्रजनन करते हैं बच्चे पाल लेते हैं और उनका वंश चलता है और सब काम लगभग नेचुरल है नेचुरल केवल भगवत प्राप्ति नेचुरल नहीं है ये अननेचुरल है अस्वाभाविक है ये यहां तक वेद की बात त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवानी जितना ज्ञान है गुणात्मक है रजोगुण में ये ज्ञान होगा सत्वगुण में ये ज्ञान होगा तमोगुण में ये ज्ञान होगा होगा रजोगुण होगा तो काम आदि में सुख की अनुभूति होने लगेगी भूख लगेगी तो भोजन में अनुभूति होगी इस ज्ञान में प्रयत्न नहीं है सर्दी लगने लगना गर्मी लगने लगना ये कष्ट आराम का ज्ञान गीता पढ़ के होता है जो सम्मेलन नहीं करते उन्हें गर्मी सर्दी नहीं लगती भूख प्यास नहीं लगती काम क्रोध नहीं आते जितना ज्ञान है नैसर्गिक है नेचुरल है प्राकृतिक है इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा संपूर्ण ज्ञान त्रिगुणात्मक है निश्चय भवार्जुन अय अर्जुन तुम निश्च्रय जितना ज्ञान है इसको तुम ज्ञान ही मत मानो ओ आप अपने ग्रंथों को पढ़ते हो ना मैं तो रीछता ही जाता हूं रीछते ही जाता हूं जितना जितना गहरे गया ना मैं निकल ही नहीं पा रहा जैसे गीली मिट्टी में कोई हिलता जाए तो धंसता जाता है धंसता जाता है यही हालत हमारी है अपने ग्रंथों की गहराई में जाता हूं तो अंत नहीं मिलता जैसे स्वप्न का सारा ज्ञान झूठा निकला जगते ही ऐसे ही जितना ज्ञान है जन्म है मरण है सुख है दुख है हानि है लाभ है स्वर्ग है नरक है जितना ज्ञान होता है सब ज्ञान अवास्तविकात्मक है या माया मात्र है प्राकृतिक है प्राकृतिक ज्ञान है इसमें कोई वेद की जरूरत नहीं इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं यदि गुरु के बिना ज्ञान ना होता तो दर्द होता तो पहले गुरु ढूंढते कि भाई हमें बताओ दर्द होता है क्या आप जरा जिंदगी की ओर झांकिए किस ज्ञान की तुम्हें जरूरत पड़ी किस ज्ञान में गुरु की जरूरत पड़ी हां रोग निवृत्ति के लिए कौन औषधि क्या फायदा करेगी ये नहीं समझ पाते खाने में स्वादिष्ट लगती है और कहो वही नुकसान करती हो खाने में कड़वी लगती है कहो फायदा करती हो अब यहां वाणी जबान इंद्रियां बेकार हो गई स्वास्थ्य के मामले में कौन औषधि फायदा करेगी यह शास्त्र बताता है आपकी जबान नहीं बता सकती मोक्ष के मामले में आपकी इंद्रियां काफी नहीं है बल्कि व्यर्थ हैं जितना ज्ञान है ये तुम्हारे लिए बंधनकारी है मुक्तिदायी नहीं है मुक्ति के लिए तो गुरु का एक वाक्य विद्या सा विद्या या विमुक्त और मुक्तिदा गुरु बागे का सर्वा विद्या विडंबका सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ और गुरु का एक वाक्य एक तरफ एक वाक्य उपनिषदों में देखो इतने बड़े वेद इतने मंत्र और उसमें जानते हो महावाक्य चार बस चार महावाक्य हैं तत्वमशी प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्माष्टमी चार महावाक्य हैं बाकी सब वाक्य हैं संपूर्ण जगत में जितने हैं इनको बोलते हैं वाक्य ये तो आप पढ़े हो मेरे से ज्यादा मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला पढ़ने का गांव में पैदा हुए पहले तो स्कूल देखने को नहीं मिल रहा था जब 11 वर्ष के हो गए तो पढ़ने बैठे हाँ सही बात है ये झूठ नहीं है तो थोड़े दिन पढ़े बस दस तक पहुंच पाए सो बीस इक्कीस के की हो गए सो छोड़ के बाबा बन गए आगे पढ़ाने के लिए घर वालों के पास पैसा भी नहीं था ईश्वर चंद सागर कहते चौरा सड़क की रोशनी पे पढ़े कई लोग गरीबी को अपने गिरने का हेतु बताते हैं कोई कुशी को बताता है अभी गिरने वालों को गिरने का बहाना चाहिए जैसे पीने वालों को पीने का लड़का हो जाए तो पुत्र की खुशी में पियो मर जाए तो दुख में पियो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और मरने वालों को भी मरने का बहाना चाहिए और मुक्त होने वालों को मुक्ति का भी कोई ना कोई बहाना मिल जाए तो मुक्त हो नहीं था जरा सा निमित्त बनती है घटना लोग मुक्ति की ओर चल पड़ते हैं तो आप ये जो जितना ज्ञान है ये जग जाते हो इसमें तुम्हारी क्या कोशिश है मैं तुमको कहता हूं लो कि तुम सो के दिखा दो एक दिन का हमारा सम्मेलन बर्बाद होगा तुम पर जगना नहीं कल शाम तक तर। बिस्तरे में भी मत जगना ये नहीं कि दोबारा फिर सो जाओ कपड़ा ढाक लो ये नहीं कहा जगना मत यदि तुम्हारी ताकत हो तो ऐसा सो के दिखाओ कि नींद ना खुले है तुम्हारे हाथ में क्या है अब तुमको कहता हूं सो मत सात दिन की कथा नहीं सुनना सात दिन सो के दिखाना या सात दिन लगातार जग के दिखाना सोना मत कोई भागवत की जरूरत नहीं है कोई गीता सुनने की जरूरत नहीं सात दिन तुम मत सो बस जागे रहो मुक्ति हो जाएगी हाँ जाग के दिखाओ लेकिन सात सात दिन लगातार जागना भी कोई खेल है ये जगना सोना गुणों का काम है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा नान्यम गुणेभ्या कर तारम यदा दृष्टा अनुपस््य जब यह दृष्टा ये देख लेता है कि गुण ही करने वाले न अन्यम गुणेभ्या करतारम यदा दृष्टा जब दृष्टा ये देखता है कि सब गुण काम करते हैं मैं करता नहीं हूं नान्यम गुणेभ्या करता यदा दृष्टा नुपस्ती गुणेभ्य परम वेत्ति गुणों से परे अपने को देखकर मुक्त हो जा गुणेभ्य परम मद मदभाव शोधि गुणातीता गुणातीत वो गुणातीत हो जाता है परमात्मा हो जाता है साक्षी हो जाता है अकर्ता अभोक्ता मुक्त हो जाता है केवल इतना जानकर इतना इतना सा लोग इतना पढ़कर पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो पंडित सोई जो मन परबोधे राम नाम अंतस में शोधे पंडित कौन जो मन को जगाए समझाए बुझाए हमारे गुरुओं ने हर शब्द के पीछे मन का संबोधन किया कह नानक सुन रे मना कह नानक सुन रे मना ये मन ही तो सुनता नहीं सारे उपदेश मन को सुनाने के लिए बधाई का पात्र है जो व्यक्ति जो स्वयं अंदर से सुनता हो मन को इसकी जरूरत हो गुणातीत तो होना चाहता हो मुक्त तो होना चाहे। अभी तो ध्यान और भजन में भी हम सुख ढूंढते हैं भोगना चाहते हैं मुक्त तो नहीं होना चाहते सुख दुख से मुक्त तो होने का रास्ता बताएं आप स्वीकारोगे नहीं इसीलिए लोग स्वर्ग का रास्ता ढूंढ रहे हैं मोक्ष का नहीं सुख मिले सुख मिले सुख का त्याग नहीं ये सुखम सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण सुख में बांध देता है सुख में लगाता है रजोगुण कर्म में लगाता है यद्यपि सब सुख में ही लगाते हैं पर रजोगुण कर्म में लगाता है अर्थात रजोगुण कर्म में सुख की अनुभूति कराता है रजोगुणी आदमी को करने में सुख मिलता है बोलने में हंसने में गाने में नाचने में दौड़ने में करने में भोगने में रजोगुणी आदमी को कुछ करके सुख मालूम पड़ता है शतोगुणी आदमी को ध्यान में सुमिरन में विश्राम में सुख का अनुभव होता है आलसी आदमी को सोने में लड़ने में झगड़ने में गाली गलौज में क्रोध में ईर्षा में श्रेष्ठता का सुख का अनुभव करता है इसी को अच्छा मानता है दूसरे को मार आया दफना दिया गाली दे दी किसी का घर गिरा दिया किसी को धक्का मार दिया किसी का रिक्शे वाले को ढकेल दिया जितने राक्षसी स्वभाव के हैं यह राक्षसी स्वभाव भी निर्मित होता है गुणों के गुण और संस्कार साथ, -साथ चलते रहते हैं तो गुणातीत कैसे हुआ जाए थोड़ी देर के लिए कौन है गुणातीत ये जागना सोना तुम पर निर्भर नहीं ये गुणों के कारण है यदि तुम चाहो भी कि हम जागते रहें कोई अपने गुरु को ही पहले जगा के देख ले कभी सोने ना पाए जिसके गुरु कभी ना सोते हो मुझे दर्शन करा देना मैं उन तुम्हारे गुरु के भी चरणों में नमस्कार करूंगा और ऐसे गुरु के चेलों को भी नमस्कार करूंगा जिसका गुरु कभी सोता ना हो और ये बात सच है कि गुरु वही है जो शोता ना हो यह भी बता दू ऐसा व्यक्ति जो गुणों में बंधा ना हो और ऐसा व्यक्ति जो गुणातीत ना हो जो गुणातीत नहीं है वो गुरु नहीं है और जो गुणों में बंधा है वो गुरु नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें गुण ना हो गुणों में बंधा ना हो दोनों चीजें एक साथ गुणों में बंधा भी गुणातीत निर्गुणम गुण भोक्तृय निर्गुण और गुणातीत एक साथ वही इसलिए दिल के आईने में तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली वहीं वहीं जरा सा गर्दन झुकाओ निर्गुण हो गए जरा सा इधर हो जाओ सगुण हो गए सगुण और निर्गुण में इतनी दूरी नहीं है बस इतनी ही जितना स्वप्न में और जागने में वही स्वप्न कोई दो चार मील दूर नहीं रहते अभी स्वप्न नींद खुले तो उसी बेड में उसी जगह वहीं का वहीं स्वप्न गया यही गुणों में बंधे हो यही गुणातीत हो इसलिए स्वामी राम की ये बात याद रखने लायक है स्वामी राम कहते थे कि लोग कहते हैं मर जाएंगे वहाँ भगवान मिलेंगे अभी नहीं दिखते मनुष्यों को नहीं मिलते बाद में मिलते हैं ये बहुत भटकावा है स्वामी राम कहते हैं अब न कर पर्दा कि वो पर्दा नशी देख लिया हमने दर पर्दा तुझे माहे जवी देख लिया तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना सो तुझे लोग देखेंगे वहां हमने यही देख लिया हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया उसके देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है काहे रे बन खोजन जाई शर्बनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समीप मध्य जो बास बसत है मुकुर मध्य जस छाई तैसे ही हरि बसे निरंतर तैसे ही हरि वसे निरंतर घट ही खोजो घट ही खोजो भाई तेरे घट में ही हरि का निवास है रे घट ही खोजो भाई काहे रे बन खोजन जाई बाहर भीतर अब ये एक वाक्य बिल्कुल महावाक्य है ये बाहर भीतर एक को जानो भीतर भीतर और बाहर बाहर और ये लोगों की खोपड़ी में है मैं भीतर रहता हूं बाहर वो रहता है वहां तुम यहां मैं अलग अलग रहते हैं बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई गुरु का ज्ञान ये है भीतर और बाहर एक ही रहता है तुम्हारे मन में जो रहता है वही संसार में रहता है जो संसार में रहता है वही मेरे मन में रहता है ये समझ में नहीं आता मैं चाहता हूं कि मैं ये तुम्हें बताऊं पर इसके लिए बिल्कुल शांत एकाग्र मन चाहिए जब मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे मन को एकाग्र कराने की जैसे ऑपरेशन करना हो तो पहले एडमिट करो और एक आध दिन उसकी डायबिटीज पहले नील करो सामान्य करो तब ऑपरेशन करो मैं भी तुम्हारे मन को थोड़ा पहले एकाग्र करने के लिए आकर्षित करने के लिए भाषण देता हूं ऑपरेशन का तो नंबर ही नहीं आप ऑपरेशन के समय तुम्हारे जाने का टाइम हो जाता हाँ अब मंच वाले क्या करें किसका टाइम काटे हैं किसको बढ़ावे है? सब ही रहे हैं मंच में टाइम के लिए कोई कहेगा मुझे बिना मौके का मिला कोई पेशेंट नहीं था तब मुझे अस्पताल भेज दिया तो गया तो दीवालों का ऑपरेशन करें क्या तो आ, सवाल तो ये है और तुम ऑपरेशन को राजी नहीं अभी कुछ साल पहले लोग मर जाएं ऑपरेशन नहीं कराते थे कुछ दिन पहले तो इंजेक्शन को भी डरते थे अब अपने आप कई बुढ़िया लगा लेती अब डॉक्टर और कंपाउंडर की भी जरूरत नहीं पड़ती अभ्यास की बात है और एक समय ऑपरेशन को राजी नहीं होते अब ऑपरेशन के लिए तैयार बैठे रहते हैं और डॉक्टर भी बिना ऑपरेशन के कुछ होने ही नहीं देते यदि ठीक भी होता हो तो ऑपरेशन के पैसे ज्यादा बनते हैं बिना ऑपरेशन के क्या लड़का ऐसे ही हो जाए तो फिर पैसे कम इसलिए थोड़ा सा खून ऊन निकाल के ऑपरेशन करके जिससे ऑपरेशन के पैसे बन जाए और भी तो ये जीवन क्या है तुम समझते होगे जगना बंद हो जाए और गुरुजी कभी नहीं सोते हमें तो नींद आ जाती है या तो गुरुओं ने तुम्हें मूर्ख बनाया है या तुम मूर्ख हो तुम इतने अंधविश्वासी कि गुरु सोते ही नहीं इतने अंधविश्वासी कि वो मरते ही नहीं खूब मरते देखा दफना के आए बहा के आए वो मरते क्यों नहीं और यदि वो नहीं मरते तो तुम्हारे पास अपने मरने का सबूत क्या है ये बताओ उससे ज्यादा तुम्हारे साथ कुछ होगा क्या उनको बहा के आए वो मरते नहीं क्या सबूत है कि नहीं मरते वो क्या तुम्हारा अनुभव है क्या प्रमाण है कि नहीं मरते और वो रोते दिखे वो नहीं रोते इसका क्या सबूत है तुमने कैसे अंदाज लगाया कि वो दुखी नहीं होते उनका अनुमान तुमने कैसे लगाया इसीलिए उनका नहीं तुम अपना अनुमान लगा सकते हो कि इस समय हम रोए थे या खेल किया था हमें अपने बचपन का याद है कभी माँ डांटती तो मुंह लटका के रोते रहते थे रोते रोते बीच में कुछ सोचने लगते रोना बंद हो जाता था तो फिर सोच के रोने लगते थे फिर रोना बंद हो जाए जाने कहा मन चला जाए कोई भजन में ही मन थोड़ी जाता है रोने में भी चला जाता था इधर उधर हो जाए रोना बंद तुम भी लगातार रो नहीं सकते हमें मालूम है भजन ही नहीं मन का काम है वो चला जाता फिर याद आ जाए फिर रोने लग जाए फिर पहले जब मनाए तो खाए नहीं फिर सोचते थे अब कोई मना नहीं आ जाए भूख तो लगी है कोई ऊपर से एक बार कह दे तो तैयार बैठे ये मन की हालत बड़ी विचित्र है मन के पार जाओ मन के पार हो पर उसका तुम्हें ध्यान नहीं जो मन में लिप्त है बस उतना ही तुम्हें पता है मन से जो अलिप्त है आ, उसका पता नहीं जानते हो आत्मा को ये कहा है असंगो नहीं सज्जते सर्वनिवासी सदा अलेपा आत्मा सदा अलेप है पर सदा अलेप मालूम नहीं पड़ती क्यों लिप्त भी पासई में है यही लिप्त है यही अलिप्त है लिप्तता का ज्ञान होता है वही रिफ्लेक्शन वही प्रतिबिंब हिलता है डुलता है जगता है सोता है और वही रहने वाला सूर्य न हिलता है न डुलता है वही दोनों रहते एक संग ही भास हो भान हो साक्षी और आभास एक साथ ही द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश हो जाते मैं समझता हूं यदि वैज्ञानिक कोई चिंतन किया है तो वेदांत ने किया शंकराचार्य ने चिंतन ही नहीं किया उपनिषदों का चिंतन करने के साथ उसकी पुष्टि में स्वयं भी बहुत ग्रंथ लिखे उपनिषद की सत्यता को उपनिषद को और स्पष्ट करने के लिए वैदिक ज्ञान को स्पष्ट क्लियर करने के लिए उन्होंने स्वयं बहुत ग्रंथ लिखे हैं समझो जिनको उपनिषद न खुलते हो शंकराचार्य की पुस्तकें जरूर पढ़े पर अपने आप पढ़कर क्लियर नहीं होगा थोड़ा सा गुरु की सहायता लो और गुरु की माने किसी गुरु की नहीं किसी गुरु की सहायता से काम नहीं बनेगा भले आप अपने मजहब के अनुसार मुसलमान मुसलमान के चेले बने हिंदू हिंदू के बने बनिए बनियों के बनने लग जाएं पंडित पंडितों के पहले हर जाति के चेले किसी गुरु के चेले बनते थे अब चेले भी अपनी जाति का गुरु ढूंढने लगे जब से राजनैतिक विभाजन हुआ जातिवाद बढ़ा लोग सोचते हम दूसरी जाति के चेला भी क्यों बने क्यों ना अपनी ही जाति का कोई गुरु ढूँढें ये रोग बढ़ रहा है असल में ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है और मैं ये नहीं कहता कि ब्रह्मज्ञानी का मतलब जो ब्रह्मज्ञान की केवल दो बातें कर दे स्पष्ट हो भगवान की सौगंध करके कहे कि मैं अपने स्वरूप में बिल्कुल असंदिग्ध हूं संदेह रहित हूं मुझे कोई संदेह नहीं है डाउट नहीं है विद्यते हृदयं ग्रंथिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः चियन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर जिसके कोई संदेह नहीं रह गए गत, गत संदेहा स्थितोष्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तौ जिसके संशय निवृत्त हो गए भगवान के हुक्म पर चलने को तैयार हो गया कोई डाउट नहीं है कोई क्या बिगड़ेगा क्या बनेगा संदेह खत्म संपूर्ण गीता हानि लाभ जय पराजय को खत्म कर रही है क्या लाभ क्या हानि क्या मिलेगा क्या तेरा छिन जाएगा गीता का शार इतना पर हम रोज गीता सुन लेते हैं चार्ट लटकाए बैठे हैं सम्मेलन कर लेते हैं भागवत करा लेते हैं एक भागवत में परीक्षित तर गया अब तुमने भागवतें घिस डाली और भागवत कथा करने वाले पंडित कई घिस घिस मर गए कथा कर कर के मर गए पर तुम्हारा हाल वही का वही क्या मतलब है तुम ईमानदारी से सुनते नहीं हो ईमानदारी से सुनने आते नहीं हो परीक्षित के समय पर सुना सुबह शाम दोनों वक्त कथा होती उपवास खाना पीना छोड़ करके सुन रहे हैं देखो हमको मालूम नहीं था पर जब गुरुदेव हमें मिले हम ब्यास गद्दी में बैठ के बोल रहे हैं सुबह आठ बजे हम प्रवचन सुनने बैठे गुरुजी भी गए दूसरे संत बोलते रहे फिर दोबारा गुरुजी आए सुबह आठ बजे से रात को आठ बजे तक सम्मेलन चलता रहा और हम न पेशाब करने गए न शौच करने गए न खाने गए आठ बजे से आठ बजे रात तक सुनते ही रहे मैं तब नहीं जानता था लगन क्या होती है पर अच्छा लगता था सुनते ही रहे भूल गए सब कुछ जिसको खाना पीना नहीं भूल जाए ये कुत्ते कामातुर होते हैं ये खाना पीना भूल जाए मर जाए एक्सीडेंट हो जाए रोड नहीं छोड़ते अपनी लगन में तुम्हें कथा छोड़कर भगने का मन होता है कथा अच्छी लगती तो मन लग जाता उठने का मन ना होता बंद कर दें तो धक्का लगता कि बीच में ही कथा क्यों बंद कर खैर मैं तो अभी झाड़ फूक रहा हूं कथा सुनने लायक आपका मन बन जाए और कथा सुनने का देखो पोज बनाने में जितना टाइम लगता है हमारे यहाँ जय है ना फिर यहाँ आया बीच में निकल मैंने डटा तो कोई कथा करता है कथा के बीच से कोई क्रास कर जाए तो हम लोग मानते कथा इसने काट दी हमारा संबंध तोड़ दिया कथा के बीच में हमें बीच में फोटोग्राफर और ये और ये पर ये कथा करने वाले नहीं है तो बस वीडियो बनाने वाले लोग हैं इनको कथा से सुनाई देता होता तो लगता विघ्न पड़ेगा कथा के विघ्न को कोई श्रोता जानता है या वक्ता जानता है प्रबंधक भी कथा के विघ्न को नहीं जानते वो बीचे में ठीक ठाक करने आ जाएंगे व्यवस्था करेंगे तुम इधर कर लो उधर कर लो हम तो हमारे यहां तो कथा में एक आध बार लोग कथा के समय मर गए तो उसको मरा रहने दिया धीरे से उठा के कर दिया कथा में कोई विघ्न ना पड़े अच्छा हुआ कथा में ही शरीर छूटा लोग कोशिश करते तो ऐसा अवसर ना मिलता कथा में छूट गया इसमें क्या कठिनाई है क्या बुराई है कथा सुनते सुनते प्राणांत हो तो देखो आप कौन हो कैसे समझोगे जो चीज तुम्हारे रहते चली जाती है शरीर नहीं अंतःकरण की अवस्था जिसने देखा मन की ये हालत फिर दूसरी हो गई फिर स्वपन आ गया फिर जागृत आ गया फिर नींद आ गई किसके रहते आ गई क्या स्वतंत्र नींद सिद्ध हो सकती आपका सहारा लिए बिना नींद हो तो नींद का सबूत क्या होगा जैसे मैं कहता हूं बुखार बुखार फिर रहा हो किसी आदमी को ना हो तो क्या कहोगे बुखार है बिना आपकी सत्ता से जुड़े हुए बुखार बुखार नहीं सिद्ध हो सकता खांसी नहीं हो सकती बिना आपसे जुड़े मृत्यु मृत्यु नहीं हो सकती आपकी आपके साथ जुड़े तो मृत्यु की मृत्यु काय का दुख दुख तुमसे अलग बना रहे दुख सिद्ध हो जाएगा दुख को दुख सिद्ध होने के लिए मेरे ज्ञान की मेरी सत्ता की जरूरत है गहने को गहना होने के लिए कोई मैटीरियल चाहिए बिना मैटीरियल के मैटर के वस्तु के कैसे गहना बन जाएगा स्वतंत्र गहना बन सकता है पहले तो हमें वस्तु का विचार करना ही नहीं आता बिना सत्य वस्तु के किसी झूठी वस्तु का भी निर्माण नहीं हो सकता इसलिए रामायण की चौपाई जासु सत्यता जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया जिसकी सत्यता से माया सच्ची होती है फिर उसका सब कुछ सच्चा हो जाता है यदि सत्यता परमात्मा की ना हो तो माया भी नहीं जगत भी नहीं इसलिए जगत स्वतंत्र सत्ता शून्य है हम ये नहीं मानते तीन स्वतंत्र हैं जीव ईश्वर प्रकृति तीन अनादि और स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं मानते तीन ये पांच चीजें देखो ईश्वर जीव प्रकृति जीव जीव का भेद जीव जड़ का वेद ये सब चीजें अनादि लेकिन अनंत नहीं है अनंत तो एक ही तत्व है ब्रह्म अनादि और अनंत है अर्थात जिसका प्रारंभ नहीं हुआ जिसकी समाप्ति नहीं होती वह केवल एकम अद्वितीय तत्व है ब्रह्म और सब चीजें समाप्त तो होने वाली अनादि इसलिए कहते हैं कि इनका प्रारंभ तुमने देखा नहीं याद नहीं पता नहीं इसलिए अनादि कहते हैं। इसलिए अज्ञान माया आदि अनादि है लेकिन अनंत नहीं है ये जन्म मरण अनादि है प्रारंभ रहित है कब से शुरू हुआ कोई बता नहीं सकता जैसे किसी भी धान का प्रारंभ एक धान आज उठा के लाना या कल ले आना एक धान धान लाना चावल यहां तो धान बहुत होते हैं हम जब गुरुदेव के साथ आते थे यहाँ धान की ही खेती चारों तरफ पीछे होती चारों तरफ धान धान तो देखो एक धान ले आना जो जो धान लाओगे ये नहीं कह सकते ये धान चावल से हुआ है जो धान होगा वो चावल से नहीं किससे हुआ होगा धान से अब ये पहला धान तुमने देखा हो ना देखा हो पर ये पक्की बात है ये धान धान से हुआ है और पहले वाला धान भी बोलो अब उसके पहले वाला और पहले वाला अच्छा कोई धान बताओ जो बिना धान के हुआ हो तुम्हें विश्वास हो तुम्हें विश्वास है कि कोई धान बिना धान के हुआ होगा बोलो नहीं इसका मतलब धान का प्रारंभ नहीं हुआ धान का प्रारंभ नहीं हुआ यदि प्रारंभ होगा तो पहला होगा और पहला होगा तो फिर बिना धान का होगा इसलिए कोई धान पहला नहीं कहला सकता और प्रारंभ नहीं वो अपने बाप से अपने बाप से अपने बाप से हुआ है लेकिन किसी भी धान का अंत हो सकता है वो दोबारा धान ना बने ये संभव है इसलिए जीव अनादि है पर जीव अनंत नहीं है वेदांत का कहना है जीव अनादि तो है पर अनंत नहीं है यह भ्रांति रूप है बोध होने के बाद केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ना पड़ा फिर इसकी भिन्नता नहीं रहती इसलिए द्वासुपर्णा शब्द बोल रहा था द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सो जाते एक चैतन्य में ही दूसरा चैतन्य उपाधि से माया से अविद्या से लगते हैं एक कर्ता भोगता है एक साक्षी है एक सच्चिद आनंद है एक सचिद दुखादि बंधनों से लिप्त है इन दोनों में से दो सत्य लगते हैं ज्ञान होने के बाद एक में वह अद्वितीय है उसके लिए शाम को हम सोचते हैं Uh, पांच मिनट वेलरी का हो जाए हाँ पांच मिनट आज एक आ, दोस्त आ, हिंदुस्तानी लड़की प्रियंका एक हिंदुस्तानी लड़की मैं नया कपड़ा बनूंगी जय राधे राधे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत सुंदर है ए तोहफा मैं बहुत प्रभावित क्योंकि बहुत हिंदुस्तानी ए, बहुत हिंदुस्तानी युवा लोग अमेरिका कल्चर पसंद है आ, ये कहती है कि बहुत लोग हिंदुस्तानी अमेरिका की कल्चर करते हैं इसलिए मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ कि सीताराम राधे श्याम राधे कृष्ण लिखा मुझे गिफ्ट दिया है ये मैं सोचती बहुत आवश्यक ये ए हिंदुस्तानी ए हिंदुस्तानी कल्चर या स्पिरिचुअलिटी बहुत सुंदर बहुत बारी है भारत के बच्चों को समझना चाहिए हिंदुस्तानी कल्चर संस्कृति बहुत अच्छी है उसका पालन करें हाँ हिंदुस्तानी युवा लोग बहुत भाग्यशाली हाँ हिंदुस्तानी युवक बहुत भाग्यशाली अ अमेरिका अमेरिका का युवा लोग जीवन बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल उनका जीवन बहुत मुश्किल है भटका हुआ है हां और बहुत ए, ए हिंदुस्तानी युवा और ए बड़ी पाछा ए ए आज बहुत ए ड्रग्स हाँ हिंदुस्तान के भी अब कई बड़े बच्चे अब ड्रग्स के शिकार हो रहे बहुत एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले लिया हाँ क्योंकि सब वस्तु सब जगत खुशीनेस खुश रहे डीजे नहीं बहुत बहुत सब जगत सब सामान हाँ खुशीनेस

जय गुरुदेव जय गुरुदेव हाँ नहीं वाह वाहे गुरु और जपो सतनाम सतनाम वा।